हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकपॉट क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट 31 अगस्त को होने वाला है। 31 अगस्त को संस्कृत और सोशल साइंस का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में आप सभी के लिए संस्कृत का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से 10 MCQ और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, पहला नंबर, भारतवर्ष से किम नाम निरप आसित। पहला ऑप्शन है सीवी, दूसरा ऑप्शन है रवि, तीसरा ऑप्शन है भारवी, चौथा ऑप्शन है प्रभु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सीवी। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, अग्निदेव कस्य रूपम अधारियत। अग्निदेव ने किसका रूप धारण किया? पहला ऑप्शन है कपोतस्य, दूसरा ऑप्शन है शयनस्य, तीसरा ऑप्शन है शुकस्य और चौथा ऑप्शन है वकस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कपोतस्य, यानी कि कबूतर का रूप धारण किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है निरप सिविकम भयरहितम कृतवान। पहला ऑप्शन है शयनम, दूसरा ऑप्शन है कपोतम, तीसरा ऑप्शन है सुकम, चौथा ऑप्शन है काकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कपोतम, कपोतम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर। चार नंबर, चार नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह शिव चरणयो अपतत, क्या शिव के चरण में गिरा? पहला ऑप्शन है काक, दूसरा ऑप्शन है सुक, तीसरा ऑप्शन है सैन और चौथा ऑप्शन है कपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कपोत, कबूतर शिव के चरण में आ गिरा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला पांच नंबर, पांच नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वदेहात इति पद का विभक्ति। स्वदेहात में कौन सी विभक्ति है? पहला ऑप्शन है तृतीय, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थी, तीसरा ऑप्शन है पंचमी, चौथा ऑप्शन है षष्ठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पंचमी, पंचमी विभक्ति है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, छह नंबर, भारतवर्ष इति पद का विभक्ति। भारतवर्ष में कौन सा विभक्ति है? पहला ऑप्शन है सप्तमी, दूसरा पंचमी, तीसरा तृतीय और चौथा है प्रथमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। अब देखिए नेक्स्ट, सेवन नंबर, भूभूषित इति पदस्य अर्थम चिनुत। पहला ऑप्शन है प्यासा, दूसरा ऑप्शन है भूखा, तीसरा ऑप्शन है रोगी, चौथा ऑप्शन है स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भूखा, भूखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग आठ नंबर की ओर। देखिए, आठ नंबर है ना, यहाँ पर सिर्फ सात नंबर तक है, वैसे 10 MCQ आप क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और 3 ग्रामर सेक्शन से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला नंबर, एक पदन उत्तरत, सभी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आने वाला है, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। भारतवर्ष से किम नाम निरप आसित, भारतवर्ष किम नाम निरप आसित। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, सिवी, सिवी। फिर देखिए नेक्स्ट, ख नंबर, सिवे धर्म परीक्षार्थम कुत्र चर्चा अभवत। तो यहाँ पर देवलोके आपको लिखना है, देवलोके। फिर देखिए ग नंबर, अग्निदेव कस्य रूपम अधारयत, अग्निदेव ने किसका रूप लिया? तो कपोत, कपोत का रूप लिया, कपोतस्य। फिर देखिए नेक्स्ट, घ नंबर, निरप सिविकम भयरहितम कृतवान, ये सब तो सब हम लोग MCQ में देख चुके हैं, कपोतम, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अंग नंबर, क शिवे चरणयो अपतत, ये भी तो था हमारे MCQ में, तो कपोत, कपोत शिव के चरण में आ गिरा। चलिए इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क नंबर देखिए, निरपस्य शासकम कुत्र आसित, राजा का शासन कहाँ था? तो इसका उत्तर देखिए, निरपस्य शासनम आसेतु हिमाचलम आसित, राजा का जो शासन था वो आसेतु हिमाचलम में था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए, ख नंबर, ख नंबर का क्वेश्चन है, सैन नृप मुप गम्य किम
प्रोवाच, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, सैनम निरुपगम्य प्रोवाच राजन अयम कपोतः मम भक्ष एनम परित्यज्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए ग नंबर, अनंत सिवि किम अकरोत, तो इसका उत्तर देखिए, अनंत सिवि स्वमेव तुलायाम उपावेशत। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला घ नंबर, आकाशे किम अभवत, आकाशे किम अभवत, तो इसका उत्तर देखिए, आकाशे देव दुंदु भी ध्वनि गुंजित, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला अंग नंबर, अंग नंबर का क्वेश्चन है, इंद्र निरुपाय किम आशीर्वादम अयच्छत, तो इसका उत्तर देखिए, इंद्र निरुपाय आशीर्वादम अयच्छत तव शरीरम पूर्वापेक्षया सुंदरतरम भवेत, तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्नवाक्यानि रच्यत, जहाँ पर लाइन खींचा हुआ है उस शब्द को हटाकर वाक्य बनाना है पूरा सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए क नंबर, अग्निदेव कपोत रूपम अधार्यत, तो यहाँ पर अग्निदेव को बदलना है, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, अग्निदेव के स्थान पर क लिखना है, क कपोत रूपम अधार्यत। फिर देखिए ख नंबर, एकदा देवलोके चर्चा अभवत, तो इसका यहाँ पर देखिए देवलोके में लाइन खींचा हुआ है, तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है, एकदा कुत्र चर्चा अभवत। फिर देखिए नेक्स्ट ग नंबर, कपोत शिवे चरणयो अपतत, तो यहाँ पर शिवे में लाइन खींचा हुआ है, तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे, कपोत कस्य चरणयो अपतत। फिर देखिए नेक्स्ट घ नंबर, अहम तुभ्यम कपोतम न दास्यामी, यहाँ पर तुभ्यम को चेंज करना है, तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, अहम कस्मै कपोतम न दास्यामी। फिर देखिए नेक्स्ट अंग नंबर, स मांसम तुलायाम अस्थाप्यत, तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर तुलायाम को बदलना है, इसका उत्तर हो जाएगा, स मांसम कुत्र अस्थापयत। तो प्रश्न बनाने वाला को भी आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और स्कूल में जो कुछ पढ़ाई हुआ है उसको भी एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद जय भारत।